जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम, राम भक्त हनुमान की। नमस्कार बेटी। कैसे हैं पंडित जी? सब कुछ उस माँ आपकी दया है। ऐसा नहीं है, हमारा नहीं, सब स्वामी की कृपा है। अंदर चलिए। सुनिए पंडित जी आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्कार पंडित जी, आप कब आए? बस अभी, थोड़ी देर पहले आते तो अंजना से मिलते। श्री राम के जैसे अच्छे इंसान के घर में अंजना को छोड़ने के बाद बच्ची की रक्षा और देखभाल के बारे में चिंता करना अविवेक है। किंतु आजकल के सपनों को देखकर मुझे परेशानी हो रही है। कैसा सपना? मेरे मन में चिंता है कि बच्ची पर कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे लगता है कि अंजना के आसपास किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव है। आजकल बच्ची के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा है क्या आपने? हाँ हाँ, देखा है पंडित जी। आजकल अंजना बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, अपने आप से ही बातें करते रहती है। कह रही थी कि किसी जंगल में जाकर पूजा करके आई और कहती है हनुमान के साथ गई थी। स्वामी की भक्ति के कारण ही वो शायद ऐसा बर्ताव कर रही है। आपके कहने तक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ गलत है। ये सब किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो सकता है बेटी। दुष्ट शक्ति? हाँ? अरे बाप रे, दुष्ट शक्ति? हाँ, हम सबके भले के लिए अंजना के विषय में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसे अजीब कार्य करने का प्रयत्न करे तो उसे रोकिए, उसे वैसा कुछ भी मत करने दीजिए। सच में वो शक्ति से उठा के ले जाए ना तो अच्छा होगा, मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूं बेटी, मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना। ठीक है पंडित जी। स्वामी,
मैं मानता हूं कि आप हमेशा मेरी बच्ची के साथ हैं। आप कोई अंजना को दुष्ट दृष्टि से बचाना है स्वामी, बचाना है। मुझे लगता है कि वो किसी दुष्ट शक्ति के प्रभाव में है। रात को उसके ऊपर नजर रखना बेहतर होगा। अंजना, बहुत देर हो गई है बेटा, कल सुबह पढ़ाई कर लेना, सो जाओ। अंजना, यहां नहीं बेटी, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी। चलो ठीक है माँ। अंजना, आओ मेरी गोद में सो जाओ। अंजना, अंजना, हनुमान, माँ ने आज उनके साथ सोने के लिए कहा है। अगर उन्हें पता चला कि मैं बाहर गई तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। तुम एक अच्छा कार्य करने जा रही हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी वो बहुत गहरी नींद में है। चलो। Yeah.
अंजना, दरवाजा तो बंद ही था, तुम बाहर कैसे गई? रात को हनुमान मुझे लेकर गया था माँ। हनुमान? अंजना के साथ कुछ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने जैसा कुछ कहा है वैसा ही कहीं दुष्ट शक्ति उसका पीछा तो नहीं कर रही मरी हुई हमारी बेटी को? इस अंजना में देख रही हूँ मैं, अगर अंजना को कुछ हो गया तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लक्ष्मी, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह ही भोली है। हमारी बेटी के साथ उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारे इष्ट भगवान हनुमान जी हैं। चाहे कितनी भी दुष्ट शक्ति अंजना के पास आए उससे कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, उससे कुछ नहीं होगा। सावधान रहना चाहिए, मैं एक बार पंडित जी से मिलकर आती हूँ। सुनिए सुनिए, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? सुनिए सुनिए, क्या हुआ लक्ष्मी? सुनिए सुनिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ, क्या हुआ? सुनिए, वंडरफुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ डॉक्टर? श्री राम जी की हालत में बहुत सुधार हुई है मैडम। ये दवाई इतना अच्छा असर करेगी मैंने भी नहीं सोचा था। अब दवाई से ही ठीक होंगे ना, जाप करने से थोड़ी ना होंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इनको जो जहर दिया गया था ना उससे इनकी नाड़ी बहुत खराब हो गई है। इसीलिए मैंने वो दवाइयां दी और उन दवाइयों का इन पर इतना अच्छा और इतनी जल्दी असर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं कह रहा हूं ना ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वैसे इन्हें हुआ क्या था? मैं उनके पास में बैठकर उनसे बात कर रही थी, अचानक से कुर्सी से नीचे गिर गए। ये
ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। मैडम कल श्रीराम जी के सारे टेस्ट्स करेंगे। लगता है इस बच्ची के आने से आपका भला हो रहा है। हाँ डॉक्टर, ये सब अंजना का ही चमत्कार है। नहीं माँ, सब कुछ हनुमान की कृपा है।